हेलो एवरीवन, आप सभी का अभिव्यक्ति एंड एक्सप्रेशन चैनल पर स्वागत है। वेलकम टू अभिव्यक्ति एंड एक्सप्रेशन। आज वाइट कलर की चंदेरी दुपट्टे पर मैं आपको पॉपी के फ्लावर्स पेंट करना बताऊंगी कि मैंने कैसे बनाए हैं। तो गेट रेडी। सबसे पहले मैंने पॉपी फ्लावर का जो डिज़ाइन है वो पेपर पर बनाया था, देन मैंने उसको कपड़े पर ट्रेस कर लिया। ट्रेस जो मैंने किया है वो मैंने कोई कार्बन पेपर यूज़ नहीं किया है। मैंने कपड़े के नीचे डिज़ाइन रखा क्योंकि कपड़ा ट्रांसपेरेंट था, तो मैंने ऊपर से पेंसिल की हेल्प से इसको ड्रॉ कर लिया। मैं कार्बन पेपर थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ क्योंकि कार्बन पेपर क्या होता है ना, कई बार बहुत इसकी जो वो जो हम ड्रॉ करते हैं ना, तो कार्बन पेपर के जो जो निशान है वो जाते नहीं हैं पेंटिंग के बाद भी ना, कई बार ही दिखाई देता है। तो मैं ट्राई करती हूँ अवॉइड करने का कि जितना हो सके मैं पेंसिल से ही ट्रेस कर लूँ या डायरेक्ट डिज़ाइन बना लूँ। बहुत कम होता है कि हाँ ज़रूरत पड़ती है, तभी कभी कभी होता है कि नहीं, उसके बिना काम नहीं चलेगा, तो मैं कार्बन पेपर यूज़ करती हूँ। ठीक है, तो अभी मैंने इस पेंटिंग में क्या किया है कि मैंने जो फ्लावर की जो आउटलाइन है वो रेड कलर से मैंने पहले उसकी आउटलाइन बनाई। क्यों मैंने सॉलिड कलर से उसकी आउटलाइन बनाई है बिना कोई कलर को डाइल्यूट किए, क्योंकि ये कॉटन कपड़ा है, चंदेरी कॉटन है। इस पर क्या होता है, अगर मैं थोड़ा सा वाटर भी लेती हूँ ना ब्रश में, तो वो स्प्रेड हो जाता है, बाहर निकल जाता है डिज़ाइन के। तो इसलिए मैंने पहले कलर सॉलिड कलर लेके विदाउट मिक्सिंग एनी वाटर मैंने उस कलर को डायरेक्टली कपड़े पर उसकी पहले आउटलाइन बनाई है फ्लावर की। उसको बनाने के बाद में फिर मैंने अंदर जो कलर स्प्रेड किया है, पूरा जो फिल किया है ना अंदर फूल के, वो मैंने थोड़ा उसमें वाटर पानी के साथ मैंने मिक्स करके उसको कलर को पूरा उसमें फिल किया है। एक तो वो इजीली फिल हो गया है पानी लगने के से, नहीं अदरवाइज़ क्या होता है थोड़ा सा उसको स्प्रेड करने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। और दूसरी बात ये है कि जो कपड़ा है वो थिक नहीं होगा, मोटा नहीं होगा, रबर टाइप की फीलिंग नहीं आएगी, हल्का रहेगा। ये रीज़न होता है पानी लगाने का मेन। ठीक है, उसके बाद मैंने जब वो कलर गीला था तभी मैंने वाइट कलर से उसकी आउटलाइन थोड़ा बना के फिर अंदर की तरफ पेटल्स में शेड दिया है वाइट का। गीले पर ही मैंने शेड दिया है, अगर मैं सूखे पे शेड देना चाहूँगी तो शेड नहीं आ पाएगा, जस्ट एक फ्लैट आउटलाइन हो जाएगी वाइट की। ठीक है, उसके बाद मैंने थोड़ा सा उसका जो ये पराग वाला एरिया है उस पर मैंने ब्लैक कलर से बीच में शेड दिया है। बहुत हल्का सा मैंने ब्लैक कलर का ब्रश में लिया, बहुत ही क्या बोलूँ मैं, बहुत ही छुटकू सा ब्लैक कलर मैंने ब्रश में लिया है, क्योंकि ब्लैक कलर थोड़ा सा ही बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है ना, उसको भी ब्रश में लेके थोड़ा सा मैं पहले कहीं पेपर पे थोड़ा सा उसको ब्रश को वाइप कर देती हूँ कि ज़्यादा ना आए कपड़े पर। अगर कि बहुत ही कम आता है तो मैं दोबारा ले लूँगी, लेकिन मैं रिस्क नहीं ले सकती इतना सारा ब्लैक कलर के, थोड़ा सा भी ज़्यादा हो गया। ठीक है, उसके बाद मैंने कहीं कहीं ब्लैक कलर से शेड दे दिए हैं। उसके बाद मैंने 3D आउटलाइनर से पूरे फूल की जो आउटलाइन है, वो 3D आउटलाइनर जो आते हैं ना वाइट कलर का, ये मैंने लिया है, सॉरी पर्ल मेटालिक मैंने लिया आउटलाइनर, उससे पूरे फूल की मैंने आउटलाइन कर दिया। देखिए अब ये जो मैं दूसरा फूल बना रही हूँ फिर इसमें भी कलर करनी, पहले मैंने पूरा ये आपको मैं दोबारा दिखा रही हूँ एक और फ्लावर। ठीक है, इसको भी मैंने सॉलिड कलर से पूरा आउटलाइन कर लिया। और अब ये देखिए मैं पानी के साथ में कलर को मिक्स करके पूरा अंदर फिल कर रही हूँ फ्लावर के। इससे क्या हो रहा है, देखिए आप देख रहे होंगे कि मेरा कलर बाहर की तरफ बिल्कुल भी नहीं फैला है, अंदर ही अंदर है। वो सॉलिड कलर जो होता है ना, थिक होता है ना वो काफ़ी, मतलब वो क्या होता है ना, अगर उससे आप आउटलाइन कर दोगे ना वो कपड़े पर क्या होता है, बिल्कुल जम जाता है, वो उसको बिल्कुल लॉक कर देता है कपड़े को, तो उससे ना क्या होता है वो कलर बाहर नहीं निकलता है, इसलिए सॉलिड कलर यूज़ किया है। और मैं अगर डायरेक्ट ऐसे ही इसको मैं करना शुरू कर देती ना पूरे में कलरफुल, तो क्या होता है वो बाउंड्री जो भी मेरे फ्लावर की जो लाइन्स हैं आउटलाइंस हैं उनसे बाहर निकल आता वो, फिर मैं क्या होता है फिर उसको कवर अप करने के लिए मैं फूल को थोड़ा और बड़ा बना देती हूँ, फिर मैं और बड़ा बना देती हूँ, ऐसे कर करके मेरा ना फूल इतना बड़ा बन जाता है। कई बार ऐसा मेरा पहले हुआ है, तो इसलिए अब मैंने ये शुरू कर दिया कि पहले मैं एक आउटलाइन करके लॉक कर देती हूँ आउटलाइंस को, जिससे कलर बाहर ना निकले। तो होपफुली ये टिप आपको समझ में आए और काम में आए, आपको भी फ़ायदा हो।
मुझे बताइएगा अगर ये आपको यूज़फुल लगी हो टिप, कमेंट में मुझे ज़रूर, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मुझे भी पता चले। उसके बाद देखिए आप, इस फूल में भी मैंने ऐसे ही किया है, बीच में ब्लैक कलर से थोड़ा सा शेड दे दिया है। और ये जो मैं दूसरा ये रेड कलर ना, मैं थोड़ा सा और लगा रही हूँ, मेरा हल्का सा ना जरा बहुत लाइट हो गया कलर, तो इसलिए अभी जो मैं ये रेड कलर से दोबारा से शेड दे रही हूँ इस पे फूल में, ठीक है। इसके बाद अब देखिए, लेकिन हाँ जो भी ये 3D आउटलाइनर है ना, अभी आपको वीडियो में लग रहा है कि मैं एकदम से यूज़ कर रही हूँ, नहीं एकदम से नहीं कर रहा है मैंने यूज़, जब ये मेरा डिज़ाइन सूख गया है उसके बाद मैं 3D आउटलाइनर से ना पूरी आउटलाइन कर रही हूँ। ऐसे गीले में भी आप, जब अगर वो डिज़ाइन आपका गीला है, कलर गीले हैं ना, तो भी आप यूज़ कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, बट मैं वेट करती हूँ सूखने का। तो ये सूखने के बाद ही मैंने ये पर मेटैलिक आउटलाइनर यूज़ किया। अभी है यहाँ पे मैंने एक ये पॉपी फ्लावर की एक बड जो है उसको पेंट कर रही हूँ, छोटी सी बट है, एक पेटल के बराबर भी नहीं फूल के, तो उसमें इसलिए थोड़ा सा वाइट का शेड ज़रा पास पास हो जाएगा, क्योंकि कई सारी पेटल्स मुझे दिखानी होंगी। वही तरीका अपने अपना है, पहले आउटलाइन एंड देन फिर कलर फिल। मेरे कुछ व्यूअर्स ने मुझे कंप्लेन की थी कि मैं वीडियो को फास्ट मोड में क्यों दिखाती हूँ। एक्चुअली वीडियो को फास्ट मोड में दिखाने का मेरा सिर्फ यही पर्पज़ होता है कि वीडियो थोड़ा जो उसका ड्यूरेशन है वो थोड़ा कम हो जाए, अदरवाइज़ क्या होता है वीडियो इतनी लंबी हो जाती है, कई बार मुझे लोग कहते हैं कि नहीं छोटी वीडियो बनाइए, तो समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ। मैं इसलिए कहीं कहीं पोर्शंस में इतनी स्पीड रखती हूँ कि आपको मेरी पेंटिंग समझ में आ जाए कि मैं क्या कर रही हूँ, स्पीड इसलिए मैं कम रखती हूँ, ज़्यादा नहीं होती है स्पीड, बहुत कम रखती हूँ। लेकिन और कुछ सेक्शंस जो अनवांटेड सेक्शंस होते हैं वीडियोस के, जिसमें मुझे लगता है कि ज़रूरत नहीं है, वो मैं रिमूव कर देती हूँ, वीडियो में कट कर देती हूँ, तो यही रीज़न है। और अभी ये मैं देखिए स्टैम्प बना रही हूँ उसकी, फूल की डंडी, तो इसमें मैंने ये ग्रीन कलर, जो लाइट ग्रीन कलर है वो यूज़ किया है, और उसके जो किनारे पे फिर मैंने वाइट कलर का शेड दिया है एक साइड पर, और दूसरी साइड पर मैं हल्के से ब्लैक कलर का शेड दूंगी, और ये कली में अंदर ब्लैक कलर का शेड। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ उसको लाइक करिए और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए, और अगर कोई भी आपकी क्वेरी है तो वो भी बताइए, मैं उसको सॉल्व करने का ट्राई करूँगी। और प्लीज़ 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 मेरा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, मेरी वीडियो लाइक करिए, कमेंट करिए एंड देन सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।